ये आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। ये देखिए, ये एडिशन है हमारे मटन टिक्के की। सत श्री अकाल सारिआं नूं, मेरा नाम गगन थापर है, मैं भांजा मीट वाले का ओनर हूँ। अब हम अमृतसर का सबसे फेमस मटन टिक्का बना के दिखाएंगे आपको। ये अमूल का बटर आ गया, अब इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, अमूल का देसी घी जाएगा इसमें। अब इसमें थोड़े से स्लाइस्ड अनियन जाएंगे, हल्का सा धनिया जाएगा, अदरक के जूलियंस जाएंगे और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी जाएगी। ये हमारा सबसे फेमस आइटम है मटन टिक्का। ऐसा मटन टिक्का आपको पूरे अमृतसर में कहीं नहीं मिलेगा, मुंह में घुलने वाला टिक्का है हमारा। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 300 हाफ, 600 फुल। ये आप हमारा मटन टिक्का देख सकते हैं, ये आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। ये देखिए, ये मुंह में जाते ही घुल जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने टिक्का खाया, कि मैं हाफ प्लेट टिक्का लगा रहा हूँ। टिक्के को अच्छी तरह से भूनेंगे हम पहले, इसमें हल्का सा सॉल्ट जाएगा, हल्का सा मसाला जाएगा, थोड़े से हमारा दरदरा मसाला जाएगा, तो हम टॉस करेंगे। ये हमारा मटन स्टॉक है, लोग पूछते हैं ये क्या है, हमारा मटन स्टॉक है। ये किस चीज से बनता है? ये सर मटन से बनता है, और इस टिक्के में हम अपनी कीमे वाली ग्रेवी डाल के देते हैं। ये एडिशन है हमारे मटन टिक्के की, इसमें क्रीमी वाली ग्रेवी जाएगी हमारी। ये हमारा मटन टिक्का बस ऑलमोस्ट बन गया, ये हमारा टिक्का बनके बिल्कुल तैयार है। ये टिक्का बिल्कुल बनके रेडी है, ऐसे ही हम क्लाइंट को सर्व करते हैं। अब मैं आपको हमारा साग मीट लगा के दिखा रहा हूँ। साग मीट में हम देसी घी का तड़का लगा के देते हैं। ये मैंने साग मीट में अपना अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया, हल्की सी कस्तूरी मेथी डाल दिया, और इसमें हम थोड़ा साग डालेंगे जो नॉर्मल घर पे साग बनाते हैं, गंदलों का साग वो बन के आता है मेरे यहाँ से। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, हल्का सा गरम मसाला, और ये हमारा साग मीट के लिए स्पेशल गरम मसाला, ये हम डालेंगे इसमें। साग भूनने के बाद इसमें हम देसी घी का रोगन डालेंगे थोड़ा सा। सर मसाले हमारे सारे ब्रांडेड मसाले यूज़ होते हैं, मैं कोई मसाला अपना घर पे नहीं बनाता, सारे ब्रांडेड मसाले यूज़ होते हैं। बस हमारा जो अपना गरम मसाला है वो मैं खुद मसाले लेके बनवाता हूँ। ये साग में हमने तड़का लगा दिया मीट डाल के, लास्ट में हम इसमें अमूल का मक्खन डालते हैं ताकि फ्लेवर में कोई कमी ना आए। ये मक्खन डाल दिया इसमें, अब इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। ये हमारा साग मीट बनके तैयार है, अब इसको हम सर्व करेंगे। ये हमारा साग मीट बिल्कुल बनके तैयार है। हमारी लोकेशन बहुत ही सिंपल है, 100 फुटी रोड पे, शॉप नंबर 3, नेक्स्ट टू दी लाइव बेकरी। तो इसी के साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे पेज फूड फाउंडर को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नए वीडियोस लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तो इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फूड फाउंडर।